सागर शहर में जल्दी ही ऑटो सेवा संचालित करने वाले ऑटो चालक भी ड्रेस कोड में नजर आएंगे, जिसको लेकर प्रशासन ने 16 तारीख का समय दिया है, जहां 16 तारीख के बाद शहर में बिना ड्रेस कोड के ऑटो चलाते पाए जाने पर प्रशासन इनके खिलाफ चालानी कार्रवाई भी करेगा। इस फैसले के बाद ऑटो चालकों की अलग अलग राय सामने आ रही है, जहां कुछ चालक फैसले का स्वागत कर रहे हैं तो कुछ इसे लागू करने पर आपत्ति भी दर्ज करा रहे हैं। ज्यादातर ऑटो चालक के मुताबिक ड्रेस कोड से परेशानी नहीं, पर इसके लिए एक टाइम लिमिट निर्धारित नहीं होना चाहिए, क्योंकि महंगाई के इस दौर में पूर्व से ही यह सेवा मंदी के दौर से गुजर रही है। ऐसे में ड्रेस कोड के लिए कोई उचित व्यवस्था बनाई जाए, जिससे ऑटो चालकों पर एकदम आर्थिक बोझ नहीं पड़े। तो वहीं वह ड्रेस कोड जैसे नियम कानून लागू करने के पूर्व ऑटो चालकों के लिए शहर में आरक्षित स्थान पर काबिज अतिक्रमण को मुक्त करा उनके खड़े होने स्टैंड की व्यवस्था हो, इसकी भी मांग कर रहे ऑटो चालकों के मुताबिक ड्रेस कोड से उनकी पहचान होने से बहुत हद तक उनके लिए भी सुविधा होगी। अभी एक निर्णय निकला है कि जो आप ऑटो चालक हैं उनके लिए ड्रेस कोड जारी किया जा रहा है, तो आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? हम सर ये ऐसा है कि अब सर उतना पैसा तो कमा नहीं पाते हैं सर, अब जब व्यवस्था होगी तो अपने हाँ चलो पहन लेंगे और क्या। तो उसमें सहूलियत कितनी रहेगी आपको ड्रेस कोड से? उसमें सहूलियत आप ऐसा है कि आप जब मतलब मिल जाएगा पैसा हमारे पास होगा तभी तो सिलवाएँगे साहब, नहीं तो वैसे ही परेशान हैं हम लोग। क्या परेशानी जा रही है चालकों को? परेशानी ये है कि धंधा पानी तो वैसे ही नहीं चलता है साहब। क्या कारण है कि धंधा पानी नहीं चल रहा है? ऐसा है कि सर ये पूछ का महीना लगा है, वैसे ही मतलब चलता है थोड़ा। गाड़ियाँ भी आ रही है। चौरसिया क्या काम करते हैं आप? ऑटो चला। ये अभी एक निर्णय निकला है कि अब जो ऑटो चालक हैं टैक्सी चलाने वाले, इनके लिए ड्रेस कोड रखा जा रहा है, तो किस नज़रिए से देख रहे हैं आप लोग? ड्रेस तो अभी तक चल नहीं पाई है, अभी और भी अधिकारी आए हैं तो उन्हें भी निकाली, बाकी नहीं चल पाती अपने एड्रेस। क्या कारण है कि नहीं चल पाती है? अब देखिए आधे ड्राइवर पहनते आधे ड्राइवर नहीं पहनते हैं, बाकी ये कि ड्रेस पहनने से बहुत सी सुविधाएं हैं। क्या सुविधाएं मिलेंगी? यानी अपना बैच भी रहेगा तो आपको लगेगा कि हाँ ड्राइवर हैं जी, यानी जो चोरी वोरी होती है तो उससे बचेंगे, मैन जो है ड्राइवर गाड़ी के ड्राइवर देखेंगे। जी बताएं क्या नाम है आपका? राकेश पटेल। ये क्या काम करते हैं आप लोग? ऑटो चलाते हैं। ये अभी एक निर्णय आया है कि अब जो ऑटो चालक हैं उनके लिए भी एक ड्रेस कोड बनाया जा रहा है, तो वो आपको पहन के गाड़ी चलाना पड़ेगी, किस नज़रिए से देख रहे हैं आप? नजर ये है कि अभी जो व्यवस्था है नहीं अपने पास, अब व्यवस्था करना पड़ेगी भाई साहब। नहीं तो अगर ड्रेस कोड अगर आपको दिया जाएगा तो आप लोग चलाने के लिए तैयार हैं गाड़ी चलाने के लिए पहन के? सरकार दे रही तो हमको परेशानियाँ है। क्या सोच रखते हैं, ड्रेस कोड पहनना जरूरी है कि नहीं? नहीं ड्रेस ही पहन सकते हैं, अब ऐसे अपन को अधिकार देना तो अपन कोई परेशानी नहीं भाई साहब। जी बताएं क्या काम करते हैं आप? ऑटो चलाते हैं। क्या नाम है आपका? अली मदाइन। ये एक ड्रेस कोड चालू होना है आप लोगों के लिए, जो ऑटो चालक है इन लोगों को ड्रेस चालू होना है, किस नज़रिए से देख रहे हैं, क्या कितना फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए? फ़ायदा तो उसमें सबके लिए है, हम लोग के लिए नहीं सबके लिए है, ऑटो वापे चैंपियन सबके लिए। क्या 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 फ़ायदा रहेगा, क्या सहूलियत रहेगी ड्रेस से? जो बाहर से व्यक्ति आता है, लेडीज आती है, जेंट्स आता है, उनके लिए परेशानी नहीं होना चाहिए, उनको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जैसे अपनी बहन बेटी आ रही है तो उसके लिए भी नहीं होना चाहिए। अब ऑटो चालक ड्रेस पहने रहेगा तो वो उसमें बैठ जाएगी देख के, यहाँ जी ऑटो चालक ड्रेस पहने हुए जी ऑटो चालक है। जी बताएं क्या नाम है आपका? रशीद खान। ये क्या काम करते हैं आप लोग? हम ऑटो चालक हैं। अभी एक ड्रेस कोड चालू होना है आप लोगों के लिए, इसमें क्या नज़रिए रखते हैं, क्या फ़ायदा रहेगा आप लोगों को? फ़ायदा ये हो जाएगी सबके लिए फ़ायदा, कि ये मालूम चलेगा कि ये ऑटो ड्राइवर है, ये तो मालूम चल जाएगा ड्रेस लगा रहे हैं कि टैक्सी ड्राइवर रहेगा, इसमें फ़ायदा ये होगा कि मतलब सवारी यहाँ से आ रही है तो वो पूछेगी भैया आप ऑटो लिए हो, अभी उनको मालूम भी नहीं चलता कि ऑटो ड्राइवर है कि क्या है आम आदमी है, इसलिए सवारी छड़पती है। और भाई जो एक चीज़ और देखने में आ रहा है, अगर आप लोग ड्रेस नहीं लगाएंगे 16 तारीख से तो चालान भी काट सकते हैं आपका, तो क्या कोई 1000 रुपये का जुर्माना है उसमें? नहीं काट सकते हैं चालान तो कोई हम लोग तैयार है। तो अब जो ड्रेस कोड जारी होना है उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट हैं। सहूलियत रहेगी टैक्सी वालों के लिए? अभी अभी ऑटो यूनियन की बैठक होना है, ड्रेस कोड भी मुद्दा है, शहर की सड़कें भी मुद्दा है, और सागर शहर में जो नगर पालिक निगम कैंट प्रशासन द्वारा मकरोनिया नगर पालिका द्वारा जो ऑटो स्टैंड चिन्हित किए गए थे उस पर भी ऑटो यूनियन की बैठक में चर्चा होगी।
जो आपने ड्रेस कोड की बात बताई, ड्रेस कोड कई वर्षों से अधिकारी और ऑटो यूनियन इस पर चर्चा कर रहा है और हम भी चाहते हैं, हमारा यूनियन भी चाहता है कि सारे हमारे ड्राइवर, सारे रिक्शा चालक ड्रेस कोड का पालन करें, ताकि लोगों को ये तो पता पड़े रेलवे स्टेशन पर जब ट्रेन आती है, बस स्टैंड पर जब बस आती है, हमारे ऑटो चालक ऑटो से उतर कर जाते हैं, तो उतरने वाली सवारी को ये तो पता लग सके कि ये ऑटो ड्राइवर है। इसलिए ड्रेस कोड अनिवार्य है। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, चूंकि ऑटो चालक गरीब आदमी है, कोई एनजीओ या कोई संस्था अगर हम लोगों को सहयोग करेगी तो हम यूनियन खुद कई एनजीओ के संपर्क में है, अधिकारियों के संपर्क में है कि आप अगर यातायात के नाम से हम लोगों को एक एक ड्रेस दिलवा दें हमारे ऑटो चालकों को, तो ड्रेस कोड का विवाद भी खत्म हो जाएगा। 16 तारीख से अगर ड्रेस कोड नहीं रहेगा तो चालान काटे जाएंगे। ये तानाशाही है कि चालान काटे जाएंगे। आर्थिक रूप से कमजोर है ऑटो चालक, कोरोना की मार में सारे लोगों को सरकार ने, सत्ता ने सहयोग राशि दी, लेकिन हमारे ऑटो चालक को एक भी रुपया नहीं दिया गया। 2 साल में 8 महीने हमारे ऑटो घर पर खड़े रहे, एक एक रोटी को तरस गए उनके, हमारे ऑटो चालकों के बच्चे, लेकिन किसी ने एक रोटी तक की परवाह नहीं की। हमारे ऑटो चालक आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, आर्थिक रूप से जैसे ही संपन्न होते जाएंगे, हम खुद चाहते हैं कि ड्रेस कोड सभी ऑटो चालकों को लागू हो, लेकिन बलपूर्वक तानाशाही पूर्वक अगर इस कोड का जारी हुआ ड्रेस कोड, तो हम इस चीज़ पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराएंगे।